अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने भावी पीढ़ी को अच्छा और सुरक्षित भविष्य देने के लिए हिंदुओं से धर्म के प्रति कट्टर बनने का आह्वान किया है। यह आह्वान उन्होंने हिंदू युवा सभा दिल्ली प्रदेश अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए किया। अपने संबोधन में रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नेहरू और गांधी ने भारत के मुसलमानों को साजिश के अंतर्गत पाकिस्तान जाने से रोका ताकि शेष भारत का भी इस्लामीकरण किया जा सके। जिहादी लगातार जनसंख्या विस्फोट, धर्मांतरण और लव जिहाद के माध्यम से निरंतर भारत के इस्लामीकरण के प्रयास में लिप्त हैं, किंतु हिंदू महासभा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर देश के इस्लामीकरण की साजिश का विरोध करती रही है। रविंद्र कुमार द्विवेदी ने हिंदू महासभा के पूर्व कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की जिहादियों द्वारा नृशंस हत्या का प्रसंग उठाते हुए कहा कि विधर्मी और आतंकवादी मुक्त भारत निर्माण का उनका स्वप्न हिंदू महासभा पूरा करेगी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय मंत्री केशव चौहान ने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू युवक सभा युवा अधिकारियों के लिए संघर्ष कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का अभियान आरंभ करेगी। अधिवेशन में उपस्थित युवा प्रतिनिधियों ने प्रहलाद रजक को हिंदू युवक सभा का नया प्रदेश अध्यक्ष 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक कनौजिया ने प्रहलाद रजक को शुभकामनाएं देते हुए उनके नेतृत्व में हिंदू युवाओं की एकजुटता की कामना की। हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पारचा ने युवक सभा के नव निर्वाचित प्रदेश प्रहलाद रजक के साथ युवक सभा के 30 अन्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। प्रहलाद रजक ने अपने संबोधन में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलवाया कि वो युवक सभा को दिल्ली का सबसे बड़ा युवा संगठन के रूप में स्थापित करेंगी। अधिवेशन में हिंदू युवक सभा के प्रदेश मंत्री राधेश्याम कोली, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा प्रभारी दिनेश कुमार, हिंदू महिला सभा प्रदेश मंत्री संगीता सहित 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रीत बिहार, दिल्ली।